कम बजट में बढ़िया फिल्म बनाने वाले निर्देशक को जब बड़ा बजट मिल जाता है तो वह बहक जाता है। यही बॉम्बे वेलवेट में हुआ। अनुराग कश्यप को जब 90 करोड़ रुपए की फिल्म बनाने का मौका मिला तो वे लड़खड़ा गए। बॉम्बे वेलवेट ज्ञान प्रकाश की पुस्तक मुंबई फेबल्स पर आधारित है। कहानी है बलराज की, जो 1949 में पाकिस्तान से 7-8 साल की उम्र में अपनी माँ के साथ भागकर मुंबई आता है। चिमन के साथ उसकी दोस्ती होती है, जो जेब कतरा है। छोटी मोटी स्मगलिंग करते हुए वे युवा होते हैं। धनवानों के वैभव को देख बलराज का मन ललचाता है। वह ऐसा बिग शॉट लगाना चाहता है कि पलक झपकते ही अमीर हो जाए। उसकी दबंगई और हिम्मत को देखते हुए एक अखबार का मालिक कैजात खंबाटा उसे अपने साथ मिला लेता है। बिग शॉट बनना है ना तुम्हें, मैं बनूं। धीरे धीरे बलराज को समझ में आता है कि वह खंबाटा जैसे लोगों का सिर्फ मोहरा बनकर रह गया है और ये बड़े लोग उसके कंधे पर बंदूक रख लड़ रहे हैं। साधु अपने कंधे पे बंदूक रख के चला रहे, अपन झगड़ने क्या। कहानी में इतना दम तो है कि इस पर अच्छी फिल्म बनाई जा सके, लेकिन स्क्रीन प्ले ने पानी फेर दिया। फिल्म की शुरुआत अच्छी है और महसूस होता है कि एक अच्छी फिल्म देखने को मिलेगी, लेकिन चंद मिनटों बाद फिल्म लड़खड़ाने लगती है और अंत तक हाफते हाफते पहुंचती है। फिल्म के जरिए यह बताने की कोशिश की गई है कि पूंजीवादी हर दौर में सफल है और उसके लिए कानून कायदों का कोई महत्व नहीं है, लेकिन यह बात सतही तौर पर दिखाई गई है। फिल्म के कई किरदार क्या चाहते हैं ये स्पष्ट नहीं है। जैसे ही सारा फोकस बलराज रोजी की लव स्टोरी पर शिफ्ट होता है, फिल्म अपना असर खो देती है। निर्देशक अनुराग कश्यप ने यह फिल्म लोगों को प्रभावित करने के लिए बनाई है और उनकी यह कोशिश साफ नजर आती है। शायद फिल्म बनाते समय उन्हें भ्रम हो गया कि वे महान फिल्म की रचना कर रहे हैं और वे जो दिखा रहे हैं वो अद्भुत है, और यही बात फिल्म को ले डूबी। रंग बिरंगी रोशनी के जरिए अनुराग ने दर्शकों को एक अलग संसार में ले जाने की कोशिश तो की है, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट इस राह में रुकावट साबित हुई। दूसरे हाफ में तो फिल्म पूरी तरह बिखर गई और बोर होते हुए दर्शक इस बात का लंबा इंतजार करते रहे कि कब फिल्म खत्म हो, क्योंकि बात को बहुत लंबा खींचा गया है। फिल्म की सबसे बड़ी कमी यह है कि यह दर्शकों को अपने से जोड़ नहीं पाती। फिल्म का आर्ट डायरेक्शन शानदार है। बीते दौर के बॉम्बे को स्क्रीन पर खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है। रणबीर कपूर ने जुनूनी बलराज की भूमिका साकार करने के लिए पूरा जोर लगाया है, लेकिन किरदार को वे वैसी तीव्रता से पेश नहीं कर पाए जैसी की डिमांड थी। अनुष्का शर्मा अपने अभिनय का स्तर एक जैसा नहीं रख पाई। करण जौहर ने एक ठंडे दिमाग वाले खलनायक का काम अच्छे से किया है। बॉम्बे वेलवेट उस खूबसूरत शरीर की तरह है जो बेजान है। फिल्म से कई नामी लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन परिणाम निराशाजनक है। इस फिल्म को मैं 5 में से 2 स्टार देता हूँ।